अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कहाँ चले गए थे तुम? इतने महीनों तक हमसे दूर कहाँ चले गए थे? तुम हमसे कभी मिलने क्यों नहीं आए? तुम हमारे पास क्यों नहीं आया? क्या क्या हुआ? तुम चुप क्यों? तुम कुछ बोल क्यों नहीं? तुम जीती क्यों बना? हमारे जी सोच भी नहीं सकते हैं आज हम तुम्हें पाकर कितने खुश हैं। महादेव ने हमारी सारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली, तुम्हें हमारे पास वापस भेज दिया और कुछ नहीं चाहिए अब हमें। जल्दी चलो ना पापा, सब आपको देख के बहुत खुश हो जाएगी। गोपी खुशी के मारे पागल हो जाएगी। गोपी घर पर नहीं होगी, एग्जाम की तैयारी कर रही होगी। कोई बात नहीं शिव, जब गोपी आ जाएगी ना तब वो भी मिल लेगी अपने पापा से। हम घर चलते हैं, और कल मेरा बर्थडे भी है और उसका गिफ्ट मुझे आज ही मिल गया। चले अपने घर। हाँ चलो चलो। क्या हुआ शिव? इतने महीने से मेरा बच्चा वापस आ गया। जीत, तुम सच में वापस आ गए? तो हमें यकीन नहीं हो रहा, हम कोई सपना तो नहीं देख रहे? हमारी सपना नहीं रघुवीर, ये सच है। भोलेनाथ का चमत्कार ठीक है, सच कहे तो हमें भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन तुम इतने दिन तक थे कहां पे? क्या किया तुमने? हमें बताओ बेटा, सब बताओगे। तुझे पता है यहाँ घर में सबकी क्या हालत थी तेरे जाने के बाद? ये शिव ने तो बोलना ही बंद कर दिया था। बता ना बेटा, कहाँ था तू 6 महीने? बोलो ना बेटा। हाँ कहाँ थे बेटा, बोलो। कहाँ थे, क्या क्या, कुछ याद नहीं हमें। छोड़ो ना यार, अब हम आ गए ना तो ठीक है ना? सही सलामत है बिल्कुल।
अजीत, कैसी भाषा बोल रहे हो तुम? तुम सच में जीत ही हो ना? दादी, वो पापा का नया स्टाइल होगा। पापा वापस तो आ गए हैं ना? नया स्टाइल है। हाँ शिव, पापा आ तो गए। हम भी बहुत खुश हैं आज। हमारा जीत वापस आ गया और ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। तो सच में भगवान का रूप हो। आज अगर तुम कुछ भी मांगते ना तो तुम्हें जरूर मिलता। और तुम्हारी बर्थडे के पहले सबसे अच्छा गिफ्ट मिला है तुम्हें, है ना? हाँ दादी, ये अब तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। कृष्णा बेटा, तू बड़ी किस्मत वाली है। एक बार जाने के बाद ना किसी का सुहाग वापस लौट कर नहीं आता है। जिसे हम सब मरा हुआ मानते थे, वो देख जीता जाता। तेरे सामने तेरा जीत खड़ा है, देख। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अरे गुरु, तभी वो विद्या में बार बार पापा बुला रहा था। ये तो सेम डिट्टो अपनी कॉपी है, एकदम सेम टू सेम। इसको देख के लग रहा है कि हम खुद ही शीशे के सामने खड़े हैं। सेम, बिल्कुल कार्बन कॉपी। देखते हैं और कौन कौन है यहाँ पर। वाह गुरु, शादी के फंक्शन में तो कमाल लग रहे हो तुम अपनी तरह। ये तो विद्या हो गया अपना। वो क्या बोल रहा था, कौन खुश हो जाएगी? जल्दी चलो पापा, गोपी खुशी के मारे पागल हो जाएगी। गोपी गोपिन गोपी, तो ये जीत की बेटी होगी। हाँ, तैयारी करनी पड़ेगी गुरु। फोटोज देख रहे थे, काफी टाइम हो गया ना सबको एक साथ देखे हुए। जीत, क्या तुम्हें सच में बिल्कुल भी याद नहीं कि तुम इतने महीनों तक कहाँ थे? क्या किया, क्या हुआ तुम्हारे साथ? कुछ भी? हाँ, वो जब होश आया मुझे तो पता नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, कहाँ जाएं। कुछ दिन बाद अचानक से अपने आप इस शहर की तरफ चलते आए हम। यहाँ आकर शहर तो अपना लग रहा था, लेकिन कोई लोग जान पहचान के नहीं लग रहे थे। मतलब कोई चेहरा हमें जाना पहचाना नहीं लग रहा था। के बाद उस पिट्टी को, मतलब शिव को देखा हमने। मुसीबत में दौड़े उसको बचाने के लिए, उसको बचा के ना जो सुकून मिला मुझे, फिर मुझे समझ आया कि ये शहर मुझे अपनी तरफ क्यों खींच रहा था। फिर उसने मुझे पापा कहा तो मुझे समझ आया ये शहर क्यों अपनी तरफ खींच रहा था मुझे। इतने दिनों बाद है ना किसी अपने की आवाज सुनकर बिल्कुल बिल्कुल तसल्ली मिली। और उसके बाद की
खाने से तुम्हें पता ही है कृष्णा। सच कहे तो अभी भी हमें विश्वास नहीं हो रहा कि तुम हमारी आंखों के सामने हो। तुम वापस आ गए हो। थैंक यू जीत, सही समय पर वापस आने के लिए। अगर तुम सही समय पर वापस नहीं आते ना तो शायद हम अपने शिव को खो चुके होते। वो अब तो मैं ठीक हूं, शिव भी ठीक है। तो कल शिव का बर्थडे है ना, तो बस कल ही अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जी, अब तुम वापस आ गए हो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखिए नथ दंगल प्ले पर टीवी से पहले।